हेलो गाइस सो आई होप आप सब लोग ठीक हैं एक ये बात मैं आपसे करना चाहता था एक डिस्कशन कर रहा हूँ मैं बेसिकली मेरे जो थॉट्स हैं मैं बस वही रख रहा हूँ मैं किसी के थॉट्स को का डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता हर एक के अपने थॉट्स होते हैं हर एक का अपना एक दिमाग में विजन होता है किसी एक चीज़ के लिए कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए या एक पर्टिकुलर बात के लिए या किसी इंसान के लिए हर एक का अपना एक थॉट होता है हर एक का अपना एक स्टैंड होता है तो मैं अपना सिर्फ स्टैंड रखने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ किसी को डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहा मैं यहाँ पे हर एक के अपने थॉट्स होते हैं सो दिस इज़ अ डिस्क्लेमर बाय मी कि मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट uh, uh, नहीं करना चाहता बट मैं अपना थाट रखना ज़रूर चाहता हूँ तो यहाँ मैं बात करता हूँ सड़क टू के ट्रेलर की गाइस सड़क टू का जो ट्रेलर है दैट्स दी मोस्ट डिसलाइकड ट्रेलर ऑन यूट्यूब मतलब कि इंडियन सिनेमा में ये मैंने खुद पहली बार ऐसे आई थिंक देखा है हालांकि डिसलाइक्स मिलते हैं बहुत सारे किसी बहुत सारी मूवीज़ को बहुत डिसलाइक्स मिलते हैं बट ऑब्वियसली लाइक्स भी ज़्यादा होते हैं हालांकि व्यूज़ उनको अच्छे खासे मिले हैं ऐसी बात नहीं है ट्रेलर के जो व्यूज़ थे वो ज़्यादा अच्छे थे बट डिसक्स बहुत ज़्यादा थे अब जब ट्रेलर रिलीज़ होने वाला था उससे पहले उसका पोस्टर रिलीज़ हुआ था और पोस्टर के नीचे मैंने पढ़ा था काफ़ी कमेंट्स पड़े थे कि जो जो फैंस हैं सुशांत सिंह के या जो जो हैं जो नेपोटिज़म को के अगेंस्ट है वो सब लोग आए और इसको डिसलाइक करें तो एक तरीके से एक रेवोल्यूशन चला था इंटरनेट पे एंड वो कामयाब भी हो गया जो जो करना चाहते थे वो एक्चुअल में हुआ काफ़ी लोगों ने डिसलाइक किया और काफ़ी लोगों ने इसलिए डिसलाइक किया क्योंकि सब लोग डिसलाइक कर रहे हैं और काफ़ी लोगों को तो पता नहीं है कि वो डिसलाइक करके हो रहे हैं <laughs> तो मतलब कि मिक्सड है आई एम श्योर क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी जगह पे लोग अपने ओपिनियन देने भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं लेकिन वो जो भीड़ होती है उसमें से सिर्फ आगे वाले जो बंदे होते हैं उन्हीं को मालूम होता है कि वो किस चीज़ के लिए आए हैं बाकी पीछे वालों को कुछ मालूम नहीं होता तो ये हम देखते आ रहे हैं चलता आ रहा है एंड सेम uh, ये चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है एक लग रहा है कि एक ट्रेंड बन रहा है कि सब लोग एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं कि हाँ वो तू डिसलाइक कर रहा तो मैं भी डिसलाइक कर दूंगा एक मैं बात करना चाहूँगा सुशांत सिंह राजपूत की ही इज़ ही वॉज़ अ वेरी गुड एक्टर नो डाउट अबाउट दैट उनके साथ मैं कभी काम करने का मौका मिला नहीं अब मिल नहीं पाएगा ओब्वियसली बट अब प्रॉब्लम ये है कि अभी तक तो कुछ फाइनल जो बोलते हैं ना फाइनल टेक फ्रॉम द पुलिस या किसी से भी एक फ़ाइनल डॉक्यूमेंट नहीं आया कि वो किस लिए हुआ है क्या उसने वाकई में सुसाइड किया था या नेपोटिज्म के चलते सुसाइड किया था ये इसके लिए किया था किसके लिए था ये कुछ कहा नहीं जा सकता फिलहाल बिकॉज ऑब्वियसली सी अब तो सी भी वर्क कर, कर रही है इसके ऊपर केस के ऊपर इन्वेस्टिगेट कर रही है तो मैं इसके अंदर ज़्यादा नहीं घुसूँगा मैं जस्ट एक छोटा सा ओवरव्यू दे रहा था आपको कि ऑब्वियसली देखिए अभी जो चीज़ है वो खुल के सामने नहीं आई है आपके सामने अभी आप बस क्योंकि कुछ बंदे कर रहे हैं तो आप उनको फॉलो करते हो कर रहे हो दैट सेट और कोई रीज़न नहीं है मेरे हिसाब से अब आते हैं बात नेपोटिज़म के ऊपर तो देखिए एक सीधी सी बात है हर बिजनेस का हर बिजनेस में जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके फादर हैं आपके फ़ादर कोई सपोज कीजिए कोई बिज़नेस चला रहे हैं तो वो क्या चाहेंगे कि आप रन करो उनका बिज़नेस नेक्स्ट या कोई ऐसा बंदा जो टैलेंटेड है वो रन करे उनका बिजनेस आप क्या चाहोगे कि वो रन करे या आप रन करो उनका बिजनेस आपके अंदर हो सकता है उतना टैलेंट ना हो जितना उसके अंदर हो तो क्या आप चाहोगे कि चलो डैडी आप उसको दे दो यार मेरे को तो भाई आता नहीं आप उसको पकड़ा दो ऐसा तो हो नहीं सकता है ना तो अगर आपके फादर हैं वो बिज़नेस रन करेंगे और वो बिजनेस खड़ा कर रहे हैं आपके लिए राइट तो ऑबियसली बात है हर बंदा अपने अपने बेटे बेटियों को अपने रिश्तेदारों को ऑब्वियसली पहला चांस देगा नो डाउट अबाउट दैट कुछ लोग हैं जिनको ऑब्वियसली कभी चांस मिला नहीं तो अब वो भड़क रहे हैं कई लोग स्टार्ट हुए इंडस्ट्री में आए कुछ ना कुछ करने आए बट उनको ऑब्वियसली चांस नहीं मिले फिर वो चल लिए वो कुछ और करने बैठ गए अब मैं अपना एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको इसमें मेरा कोई दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था मेरे रिश्तेदारों को मेरे डैड को मेरे मॉम को या कोई भी रिलेटिव में भी कोई एक बंदा भी इंडस्ट्री से रिलेटेड नहीं था मैं फिर भी मेरे दिमाग में था कि मुझे इंडस्ट्री में जाना है मैं एक डायरेक्टर बनना चाहता था मैं एक एडिटर बनना चाहता था मैंने ग्राफिक्स भी सीखा बहुत कुछ सीखा मैंने मेहनत की मेहनत करके मैं यहाँ तक आया तो आ, मैंने जब स्टार्ट किया मैं बॉम्बे आया तो काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज आईं कई लोगों ने अप्रिशिएट किया कई लोगों ने काम नहीं दिया कई लोगों ने मेरा काम उठा के किसी और को दे दिया कई लोगों ने आ, मैं मेरे को एक जगह एडिटिंग का चांस मिल रहा था मुझे पहली फिल्म एक बड़ी अच्छी फिल्म मिल रही थी बट अनफॉर्चुनेटली मेरे हाथ से निकल गई बिकॉज ऑब्वियसली किसी और को मिला मैं मैं उसको मैं ब्लेम नहीं करता उसकी किस्मत थी उसको मिली मेरी किस्मत में जोगा मुझे मिलेगा सीधी सी बात है मैं अल आ, मैं आगे बढ़ूँगा मैं और काम करूँगा मैं और मेहनत करूँगा मैं और अपना मेहनत से लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करूँगा मैं और नई चीज़ बनाऊँगा कहीं ना कहीं मेरा लक काम करेगा कहीं ना कहीं मुझे एक मिलेगा ये मेरे दिमाग में हमेशा था और आज भी है ऐसा नहीं कि आज मैं स्ट्रगल नहीं कर रहा हूँ आज भी स्ट्रगल कर रहा हूँ ऑब्वियसली ये ख़त्म नहीं होता है अगर आप एक सक्सेस के लेवल पे पहुंच जाते हैं ना फिर आपको और सक्सेस चाहिए क्योंकि ये चीज़ कभी ख़त्म नहीं हो पाती है ये बढ़ता जाएगा ये चाहिए, ये चाहिए फिर ये चाहिए फिर ये चाहिए फिर ये मिल गया ये चाहिए फिर ये मिल गया ये चाहिए हर चीज़ बढ़ती जाएगी आपको एक चीज़ मिल जाएगी आपको दूसरी चीज़ की डिमांड हो जाएगी तो ये तो बढ़ता जाएगा ये कभी रुकेगा नहीं तो जो पैशनेट होते हैं वो ऑब्वियसली आगे बढ़ेंगे जो पैशनेट नहीं होते हैं वो कहीं ना कहीं रुक जाएंगे फिर दूसरों को कोसेंगे फिर उनके पास अगर कोई मौका मिला तो उनको हराने की कोशिश करेंगे क्योंकि खुद तो बढ़ पाए नहीं तो अब चलो इनको हराओ मेरे को भी काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट नहीं किया काफ़ी जगह मैं उनको ब्लेम नहीं करता हूँ ठीक है इंडस्ट्री के काफ़ी लोग अब मुझे जानते हैं ऑब्वियसली मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ मैंने गुजराती फिल्म एडिट किए हैं हिंदी फिल्म एडिट किए पंजाबी की है मराठी की है काफ़ी सारे सिंगर्स के साथ मैं काम करता हूँ मैंज म्यूज़िक पा जो बहुत बड़े टैलेंटेड म्यूज़िक डायरेक्टर सिंगर हैं उनके साथ काम करता हूँ सो ऑब्वियसली अगर नेपोटिज्म होता तो मेरे को चांस कैसे मिलता कपिल शर्मा की बात करते कपिल शर्मा तो नेपोटिज्म की तरह वहाँ से तो नहीं आया वो तो अपनी मेहनत करके आया ऊपर है ना तो मेहनत करोगे और उसको आ, सपोर्ट किसने किया सलमान खान ने सपोर्ट किया मैं यहाँ पे किसी का साथ नहीं दे रहा हूँ मैं जैसे आपको एक ओवरव्यू बता रहा हूँ जो मेरे दिमाग में है बस मैं वो आपके सामने निकाल रहा हूँ <laughs> तो अगर आप इसमें से पॉजिटिव बातें निकाल पाएँ तो अच्छी बात है नेगेटिव बातें इग्नोर कर पाएँ तो अच्छी बात है नेगेटिव बातें निकाल पाएँ तो वो आपकी मर्जी है तो उसको भी सलमान खान ने चांस दिया और आज के टाइम पे देखो कपिल का एक टाइम पे आपने देखा था शो गिर चुका था लेकिन फिर से वो राइज़ किया कैसे किया सलमान खान ने उसको आ, स, आ, कपिल शर्मा शो को फिर से प्रोड्यूस किया फिर से उसको ऊपर लेकर आया एंड नाउ ही इज़ डूइंग गुड अगेन क्यों किया क्योंकि उसमें टैलेंट था भैया आपके अंदर टैलेंट होगा तो आपको हर बंदा अप्रिशिएट करेगा आज आलिया भट्ट की फिल्म है सड़क टू आलिया भट्ट की आपने एक्टिंग देखी है शी इज़ अ डैम गुड एक्ट्रेस बहुत अच्छी एक्ट्रेस है उड़ता पंजाब में आपने उसकी एक्टिंग देखी होगी और भी उस काफ़ी फिल्मों में एक्टिंग देखी होगी बहुत शानदार एक्टिंग करती है वो सो so जो कर रहा है ऑब्वियसली उसको तो कहीं ना कहीं फेम मिलेगा ही अब उसकी गलती तो है नहीं कि वो एक डायरेक्टर की बेटी है एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ एक डिस्कलेमर मेरी तरफ से मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ मैं पर्सनली ना सलमान खान को जानता हूँ न करण जौहर को जानता हूँ ना आलिया भट्ट को जानता हूँ ना महेश भट्ट को जानता हूँ ना मुकेश भट्ट को जानता हूँ ना वो लोग मुझे जानते हैं बट मैं जस्ट एक जनरल अपनी एक ओपिनियन रखना चाहता था इसलिए मैंने ये बात आपके सामने की तो ये एक जनरल ओपिनियन है मेरी खुद की कि इट्स नेचुरल कि हर बंदा अपने रिश्तेदार को या ऐसे बंदे जो ऑलरेडी है उस जगह पे उनको सबसे पहले प्रेफरेंस देगा सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री की बात नहीं है ये हर जगह है चार्टेड अकाउंटेंट्स मैनेजर्स फिर उसके बाद इंजीनियर्स सब डॉक्टर्स ये वो नर्सेज हर जगह हर जगह फिर तो नेपोटिज्म अगर आप पैसे लेने जाओगे तो ठीक है तो आप <laughs> सड़क टू का वीडियो लाइक करें या ना करें उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना मुझे कोई पैसा मिल रहा है बट एक रिव्यू एक मैं ओपिनियन आपको देना चाहता था मुझे खैर ट्रेलर अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा मुझे ट्रेलर मैंने पार्ट वन भी देखा है बचपन में देखा था तो वो एक याद भी है मेरे दिमाग में सो आई होप जो मैं कहना चाह रहा हूँ आप उस चीज़ को समझ पाएँ आप इस चीज़ को गलत मत लीजिएगा नेगेटिव मत लीजिएगा अगर लोग Uh, सुशांत सिंह राजपूत के साथ मैं भी हूँ सब लोग हैं आप भी हैं लेकिन फिलहाल हम एक मुद, हम एक फाइनल ड्राफ्ट हम एक फ़ाइनल uh, नतीजे पे ना पहुँचे अपनी तरफ से तो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से बाकी आपकी मर्जी जो आप करें एंड आज के लिए बस इतना ही दैट्स बाय